वेलकम एवरीवन टू यूट्यूब सीरीज पार्ट 10। आज के वीडियो में हम लोग इंट्रो बनाना सीखेंगे। जैसा इंट्रो मैं बनाती हूँ अपने वीडियोस में, वो मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ बना करके दिखाऊंगी, स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी कहाँ से क्या आपको करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट इट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। सो काफ़ी दिनों बाद हम YouTube सीरीज़ अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं। सो YouTube सीरीज़ में पार्ट 10 ये वीडियो है, 10वां वीडियो है। अब तक मैं 9 वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। हमारी YouTube सीरीज़ की प्लेलिस्ट में मैं सारा वीडियोस आपके लिए वन बाय वन डालती हूँ। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। सो YouTube सीरीज़ पार्ट 10 यानी कि आज की वीडियो में हम लोग इंट्रो बनाना सीखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को आउट्रो बनाना सिखाया था। आप कॉमेंट करके बताना कितने लोगों ने आउट्रो बना लिया है। ठीक है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। सो आज के वीडियो में हम इंट्रो बनाना सीखेंगे कि इंट्रो कैसे बनाएं। ठीक है, चलो सब, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, मैंने जिसमें बोल दिया है कि हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस, दिस इज सुमन यादव। मैंने इसी शॉर्ट में उसे बना के रख दिया है। अब मैं उसे कैसे एडिट करती हूँ और आपके सामने लाती हूँ वो मैं आपको सिखाती हूँ। ठीक है, तो सारा काम हम अपने इनशॉट ऐप से ही करेंगे। मैंने आपको बताया था कि वीडियो एडिटिंग हम सिर्फ और सिर्फ इनशॉट से ही करेंगे। वीडियो एडिटिंग मैं पूरा आपको इनशॉट से सिखाऊंगी। और एक बात बता देती हूँ, इनशॉट में अभी ऑफर चल रहा है, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहो तो ले सकते हो। 290 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से चल रहा है, तो काफ़ी सस्ता है। आप चाहो तो ले सकते हो, आपकी मर्जी है। हालांकि बिना लिए भी आपका काम चल जाएगा। हाँ, अगर आप ले लेते हो सब्सक्रिप्शंस तो आपको कुछ एडिशनल फीचर्स मिलते हैं उसमें, मतलब कुछ फिल्टर्स, कुछ जो एनिमेशंस है उसमें एक्स्ट्रा मिलते हैं। मैंने ले रखा है, अनूप सर ने नहीं ले रखा है, फिर भी हम लोग का काम चलता है। ठीक है, मैं अनूप सर के मोबाइल से भी वीडियो एडिट कर लेती हूँ, अपने मोबाइल से भी कर लेती हूँ। हालांकि वो अभी फ़िलहाल तो बहुत दूर रहते हैं, जब हम लोग साथ में पढ़ाते थे तो हम दोनों एक दूसरे के मोबाइल से कर लेते थे वीडियो एडिटिंग। ठीक है, सो उस केस में क्या होता है कि बस आपको थोड़ा ऐड ज़्यादा देखने को मिलता है और थोड़ा सा फीचर्स आपको कम मिलते हैं, लेकिन काम चल जाएगा आपका, बिना पैसे के भी काम चल जाएगा। ऑफ़र था तो मैंने सोचा मैं आपको बता देती हूँ, आप चाहो तो ले लो। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं और इनशॉट अपना ओपन करते हैं। और इनशॉट का अगर आप सब्सक्रिप्शन अभी नहीं लेना चाहते हो ना, बाद में कभी सोच रहे हो, कोई ऐसी जल्दीबाजी वाली बात नहीं है कि अभी ही ऑफ़र आया है। मैं आपको जेन्युइनली बात बताऊंगी, जितने भी त्यौहार आते हैं जैसे कि दिवाली, होली, ठीक है, कोई भी ऐसा त्यौहार आता है ना तो इनशॉट पर ऑफ़र चला आता है और 290 में 300 रुपये में आपको साल भर का जो सब्सक्रिप्शन है वो मिल जाता है। पर एक बात का ध्यान रखें, एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो अगले साल वो वापस से रिन्यू हो जाएगा जब तक आप उसे स्टॉप नहीं करोगे। सो जब तक आप उसे स्टॉप नहीं कर रहे हो तो अपने आप वो पैसे आपके कटते जाएंगे हर साल। ठीक है, सो जब स्टॉप करना चाहो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो इन शॉर्ट की मैं बात करती हूँ कैसे मैं एडिट करूँगी अपने इंट्रो वीडियो को। इंट्रो आउट्रो क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो हम अपना इन शॉर्ट ऐप ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको दिख रहा होगा 3 सेक्शन, वीडियो, फोटो, कोलाज। हम लोग वीडियो एडिट करने जा रहे हैं इसलिए हम वीडियो पे जाएंगे। अगर हम कभी फोटो एडिट करने पे जाते हैं तो हम फोटो पे जाते हैं। फिलहाल हमें वीडियो एडिट करना है, सो वीडियो पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, तो न्यू वाला जो ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करेंगे, क्योंकि एक नया वीडियो हम एडिट करने जा रहे हैं, कोई पुराना वीडियो तो एडिट कर नहीं रहे। सो न्यू पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इसमें देखो मैंने पहला ही वीडियो 9 सेकंड का बना करके रखा है, जिसमें मैंने बोला है हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस, दिस इज सुमन यादव। मैं एक बार आपको उसे मैं इसे सेलेक्ट कर ले रही हूँ और सेलेक्ट करके नीचे जो टिक वाला ऑप्शन है उस पर मैं क्लिक कर दे रही हूँ। ये करने के बाद ऐसा कुछ वीडियो आ गया। अब देखो वीडियो वर्टिकल में है, दिख रहा होगा आपको हॉरिजॉन्टल, लेकिन अगर पूरा वीडियो पे ध्यान दो आगे पीछे ब्लैक ब्लैक सा, तो टोटल वर्टिकल है वो। और हमें कैसा चाहिए होता है, मुझे इंट्रो लॉन्ग वीडियो में लगाना है तो हमें क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल वीडियो चाहिए, 16:9 का रेशियो चाहिए। तो सबसे पहले हम कैनवस पे जाएंगे। सबसे पहला काम आपका वीडियो एडिटिंग में यही होता है कि कैनवस सेलेक्ट करो। तो कैनवस यानी कि जो पहला ऑप्शन है उस पे हम जाएंगे। कैनवस पे देखो 9:16 ऑलरेडी सेलेक्टेड है, पर हमें वो नहीं चाहिए, वो तो वर्टिकल हो गया, हमें चाहिए हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल के लिए हम बगल वाला क्लिक करेंगे 16:9। अब आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब हमारा वीडियो कुछ ऐसा हो गया, क्योंकि आप मेरी जो वीडियो अभी देख रहे हो वो ऐसी देख रहे हो, ना कि ऐसे देख रहे हो। ठीक है, सो इस पर हम करके क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद देखो ये वीडियो क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल हो गई हमारी। पहला स्टेप हमारा यही था। अब मैं इसे आपको प्ले करके सुना दे रही हूँ, फिर मैं एडिट करना आपको सिखाऊंगी, आप सुनो पहले। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस, दिस इज सुमन यादव।
देखा आपने, आगे पीछे कुछ कुछ देर तक मैं शांत रही हूँ, तो मुझे उतना काट के पहले निकालना होगा, क्योंकि मेरा शांत रहना आप क्यों देखोगे। तो काटने के लिए यहाँ पे एक वर्ड होता है स्प्लिट, ठीक है, काटने के लिए हम कहते हैं स्प्लिट। और ये फ्री वाले वर्जन में भी है, ये जो सारी फीचर मैं बताऊंगी ना, वो आप इन शॉर्ट फ्री यूज़ कर रहे हो या आप मतलब प्रीमियम वाला यूज़ कर रहे हो, पैसे दे के यूज़ कर रहे हो, ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। आपको एक भी पैसा अभी देने की ज़रूरत नहीं है, जब आप काम करने लगना तब आप देना, आपकी मर्ज़ी होगी वो। मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं बस आपको सजेस्ट कर रही थी कि ऑफ़र है, चाहो तो ले लो। अच्छा, शुरुआत में आ जाते हैं। देखो, वीडियो के शुरुआत में लान आना बहुत ज़रूरी है। जो वर्टिकल लाइन आपको सफ़ेद कलर की लाइन दिखती है ना, उसको हमेशा वहाँ रखना है जहाँ से आप वीडियो पे काम करने जा रहे हो। तो मैं क्या करूँगी, शुरुआत में जितनी देर में शांत हूँ उतनी देर पे मैं वो लाइन ले जाके वहाँ स्प्लिट करूँगी, ठीक है। देखो, जैसे जैसे मैं वीडियो प्ले कर रही हूँ, हेलो, यहाँ से मैं बोलना स्टार्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा पहले से यहाँ से मैं बोलना स्टार्ट कर रही हूँ, तो जो जहाँ से बोलना स्टार्ट कर रही हूँ वहाँ पे मैंने वर्टिकल लाइन ला दी। आपको दिख रहा होगा कुछ वीडियो थोड़ा सा पीछे है, कुछ वीडियो थोड़ा सा आगे है। सो जहाँ से मैंने बोलना स्टार्ट किया वहाँ पे मैंने वर्टिकल लाइन लाया। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, हेलो, यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ से मैं बोलने जा रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जस्ट मिनट, यहाँ पे एग्जैक्टली मैं बोलने जा रही हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, स्प्लिट करूँगी। देखो, ऊपर कई सारे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ना, कैनवस, ऑडियो, स्टिकर, टेक्स्ट, इफेक्ट, ऐसे कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा और आगे ले जाओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्प्लिट, कैंची के बगल वाला, ठीक है, इस ये वाला ऑप्शन, स्प्लिट पे आप क्लिक करोगे तो तुरंत वहाँ से वीडियो कट जाएगी, और कटने के बाद आगे वाला वीडियो सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट आपको दिख रहा है ऐसे, मतलब वाइट कलर का लाइन बन गया उस वाली वीडियो पे, आप छूओगे तो वो लाइन गायब हो जाएगी। देखो, गायब हो गई। तो हमें जो चीज़ पे काम करना है उस पे वो बॉक्स लाइन बनानी होती है। अब हमें क्या करना है, पहले वाला डिलीट करना है, जो मतलब अभी तक हमने यहाँ पे काटा है ना, काटने के पहले मैं शांत थी, तो ये वाला पार्ट मुझे डिलीट करना है, आगे का पार्ट डिलीट नहीं करना है। सो ये वाले पार्ट पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखो, उसके किनारे किनारे लाइन बन गई, सेलेक्ट हो गया, तो स्प्लिट के जस्ट बगल में आपको दिख रहा होगा डिलीट, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, डिलीट हो गया वो। बात समझ में आती है, जितना पार्ट मेरे काम का नहीं था वो मैंने स्प्लिट करके डिलीट कर दिया। स्प्लिट माने काटना, वहाँ से वीडियो कट हुआ, कट करने के बाद जो बेकार का पार्ट था वो मैंने डिलीट कर दिया, ठीक। अब सुनो, हेलो एवरीवन, वेलकम। अब शुरुआत से ही हमारा हेलो एवरीवन वाला चल रहा है, ठीक है। सेम प्रोसेस हम लास्ट में भी कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट में भी मैंने खिचपिच की हुई है। देखो, लास्ट में जहाँ से मैं शांत होंगी वहाँ मैं स्प्लिट करूँगी, प्ले कर रही हूँ वीडियो को। अब देखो, यहाँ से मैं शांत हूँ, तो यहाँ के बाद वाली जितनी वीडियो है वो बेकार है, मेरे काम की नहीं है, क्योंकि मुझे इतना ही बोलना था कि हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस, दिस इज सुमन यादव। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हम स्प्लिट करेंगे। आपको रोक देना है वर्टिकल लाइन, आपको वहीं रोक देनी है जैसे ही आपको स्प्लिट करना हो। तो हमारी वर्टिकल लाइन वहीं रुकी हुई है, यहीं पर मैं स्प्लिट कर देती हूँ, ठीक है। स्प्लिट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आगे वाली वीडियो सेलेक्ट हो जाती है, और हमें इस बार क्योंकि आगे वाली वीडियो ही डिलीट करनी है, तो हम क्या करेंगे, डिलीट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब हमारा उतना पार्ट आ गया जितने पार्ट में हमको वास्तव में काम करना है। पहले और शुरुआत का पार्ट हमेशा बेकार होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो स्टार्ट किया, स्टार्ट करते ही मैं बोलने लगी, कुछ देर तो शांत रहूँगी, कुछ देर सोचूंगी, फिर बोलूँगी, या फिर हाथ की कुछ एक्टिविटी होगी, पलक झपकाऊँगी, कुछ भी ऐसा हो जाता है। सो अगर आपसे कोई गलती होती है वीडियो बनाने में, तो स्प्लिट और डिलीट करना आपको आना चाहिए। ये वीडियो एडिटिंग का एक पार्ट है। कल के वीडियो में मैं जो कल का YouTube सीरीज़ का वीडियो बनाऊँगी, यानी कि जो मैं आपको 11वां वीडियो बताऊँगी, उसमें हम लोग वीडियो एडिटिंग ही सीखेंगे, और वो बहुत लंबी वीडियो होगी और बहुत शानदार तरीके से सिखाऊँगी। आज उसका बेसिक्स हम सीख ले रहे हैं इंट्रो बनाते वक्त, ठीक है। तो देखो, अब हमारी ये वीडियो तैयार है कि इतने पार्ट पे हमको काम करना है। अब फालतू की बात इसमें कहीं भी नहीं है, ठीक है। सो वापस से वीडियो की शुरुआत में आ जाते हैं। इस वर्टिकल लाइन को फिर से हमें शुरू में लाना है। हमेशा जहाँ से काम करना है वहाँ पे वर्टिकल लाइन होनी चाहिए। वर्टिकल लाइन आप समझ रहे हो ना, ये वाइट कलर की जो लाइन है, ठीक है। सो इसको हम क्या करेंगे, शुरू में लाएंगे। कैसे लाएंगे, ये जो नीचे वीडियो की पट्टी दिख रही है ना, उसको छूओगे, छू करके ऐसे शुरू में लाओगे तो अपने आप आ जाएगा। छू करके बस आपको ऐसे करना है, छू करके ऐसे करना, दबाना नहीं है उस पर, खाली टच करके ऐसे कर देना, स्लाइड करना अपने अंगूठे को, अपने आप हो जाएगा। दो चार बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, ये बहुत टफ टास्क नहीं है। अब जब हम शुरू में आ गए, तो शुरू में आने के बाद मैं क्या करूँगी, थोड़ी देर तक आप देखते होगे मेरी वीडियो पे ना ऐसे ई करके म्यूज़िक चलता है ना, तो उस म्यूज़िक को मैं लाना चाहती हूँ। कैसे लाऊँगी, देखो वर्टिकल लाइन हमारी शुरुआत में है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर जो हमारे पास ऑप्शंस है वो सबसे लास्ट में आ जाएंगे। अब लास्ट से तीसरा
आपको दिख रहा होगा लास्ट में ईज है, फिर है रिवर्स और उसके बाद है फ्रीज। लास्ट से तीसरा फ्रीज वाला ऑप्शन जो ऐसे फूल की तरह बना हुआ है उस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही वीडियो आप देख रहे हो थोड़ी सी बढ़ गई है ना, बढ़ गई। प्ले करके दिखाती हूँ, देखो यहाँ तक वीडियो एकदम रुकी हुई है। फ्रीज मतलब कि जिस मोमेंट पे आपने फ्रीज किया उस मोमेंट पे वीडियो ऐसे रुक गई। मैं मान लो ऐसे बोल रही हूँ और मैं ऐसे हाथ दिखा रही हूँ तो यहीं पे रुक जाएगी वीडियो, ऐसे करके रुका रहेगा, कुछ देर तक रुका रहेगा, कम से कम 5 सेकंड तक रुका रहेगा। तो हमें जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से हम बढ़ा घटा सकते हैं। फिलहाल मुझे इतनी ही ज़रूरत है तो इतने पे हम काम करते हैं। सो पहले मैंने फ्रीज़ कर दिया और वापस से अपनी वर्टिकल लाइन शुरुआत में ला दी। अब यहाँ पे मैं म्यूज़िक लगाऊंगी और ऐसे ई वाला म्यूज़िक लगाऊंगी और ऐसे ऐसे फ़ोटो को हिलाऊंगी, ठीक है। सो ऐसे हिलाने के लिए हमें इफ़ेक्ट लगाना होगा और वहाँ पे जो साउंड बचता है उसके लिए एक म्यूज़िक हमें लगाना होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इफ़ेक्ट लगा लेते हैं ताकि ऐसे ऐसे फ़ोटो हिलने लगे, ठीक है। सो हम शुरुआत में आ जाएंगे, जो ऑप्शंस हैं छोटे छोटे ऑप्शन हैं ना वहीं से सारा काम होगा। तो शुरुआत में कैनवस होता है, ऑडियो होता है, स्टिकर होता है, टेक्स्ट होता है और टेक्स्ट के बगल में देखो स्टार बना हुआ है, इफ़ेक्ट लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको कोई पार्ट नहीं समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से देख लेना, परेशान होने की बात नहीं है। इफ़ेक्ट पे जाओ, फिर से देखो कई सारे ऑप्शन आ गए। अब देखो ब्लू कलर का फिर से इफ़ेक्ट दिख रहा है, फिर से हम इफ़ेक्ट पे जाएंगे, ठीक है। इफ़ेक्ट पे जाने के बाद आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप चाहो तो स्क्रॉल कर करके अपने अनुसार कोई भी चूज़ कर सकते हो। मैं जो चूज़ करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। मैं ग्लिच चूज़ करती हूँ। देखो बेसिक लिखा हुआ, बेसिक के बगल में है ग्लिच, ग्लिच पे मैंने क्लिक कर दिया। ग्लिच पे मैंने क्लिक कर दिया। अब ग्लिच में देखो ग्लिच है, फिर नॉइज़ है, फिर टीवी है। तो ये मैं नॉइज़ वाला क्लिक करती हूँ तो ऐसे ऐसे वीडियो पे होने लगता है। देखो आपको ऊपर दिख रहा होगा, जैसे ही मैंने नॉइज़ पे क्लिक किया वो ऐसे ऐसे होने लगा। आप चाहो तो इसकी वैल्यू बढ़ा भी सकते हो, यानी कि तेज़ी से होगा, घटाओगे तो धीरे धीरे होगा। तो हम लोग एवरेज पे रखते हैं, बीच में रखते हैं इसको, बीच में ठीक ठाक आ जाता है। सो अब मैं इसे क्या कर दूँगी, टिक कर दूँगी, ठीक है। इससे क्या हो गया, मेरी फ़ोटो जो थी वो ऐसे ऐसे हिलने लगी, लेकिन अभी इस पर कोई म्यूज़िक नहीं आया, जबकि मेरे इंट्रो पे म्यूज़िक आता है, ऐसे ये करके कुछ म्यूज़िक आता है। देखो अभी सिर्फ फ़ोटो हिल रही है, कोई म्यूज़िक नहीं चल रहा। तो हम लोग वीडियो के शुरुआत में फिर से आ जाते हैं और टिक करके यहाँ से बाहर आ जाते हैं। उस पार्ट से बाहर आना ज़रूरी है, ये हमारा मेन पार्ट है। और जब हम किसी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो उसके अंदर हम चले जाते हैं। मैं जान रही हूँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, वीडियो एडिटिंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, पर 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, परेशान मत होना। शुरुआत में हम लोग आ गए, अब हमें क्या लगाना, म्यूज़िक लगाना है। हमेशा एक बात का ध्यान रखना, जब भी काम करना है एकदम वर्टिकल लाइन का ध्यान रखना कि वर्टिकल लाइन कहाँ पे है। वर्टिकल लाइन इधर उधर होगी तो चीज़ें आपकी इधर उधर हो जाएंगे, इसलिए वर्टिकल लाइन का हमेशा ध्यान रखना। गड़बड़ होती है तो फिर से पूरा काट के फिर से शुरुआत से काम करना, क्योंकि गड़बड़ होने के बाद ठीक करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो वर्टिकल लाइन का ध्यान रखोगे कोई गड़बड़ नहीं होगी। मुझे शुरुआत से ही म्यूज़िक लगानी थी तो वर्टिकल लाइन मैंने शुरू में रखी। अब हम क्या करेंगे, ऑडियो, ये देखो कैनवस के बगल में है ऑडियो, उस पर हम जाएंगे, ठीक है। ऑडियो पे जाने के बाद यहाँ पे दिख रहा है म्यूज़िक, इफ़ेक्ट, रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड मतलब यहाँ से आप डायरेक्ट रिकॉर्ड करोगे, तो हम तो ऐसा करने वाले नहीं हैं, हम जाएंगे म्यूज़िक पे, ठीक। म्यूज़िक में भी देखो ऊपर 3 ऑप्शन है, फीचर्ड, माई म्यूज़िक, इफ़ेक्ट्स। तो इस बार हम माई म्यूज़िक पे ना जाके इफ़ेक्ट पे जाएंगे। माई म्यूज़िक पे हम कल के वीडियो में गए थे, यानी कि आउटरो वाले में गए थे, जब हमने म्यूज़िक डाउनलोड करके रखा था। यहाँ हम कोई डाउनलोडेड म्यूज़िक नहीं लगा रहे हैं, हम डायरेक्टली जाएंगे इफ़ेक्ट पे, ठीक है। इफ़ेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, रिवाइंड हमने ढूंढना है तो कैमरा वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ देखो कैमरा है ना, कैमरा वाले ऑप्शन पे जाएंगे। कैमरा पे जाने के बाद बहुत सारा ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे नीचे की तरफ दिखेगा रिवाइंड, रिवाइंड टू। तो हम एक बार प्ले करके देख लेते हैं। ऐसे करके कुछ 2 ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं कौन सा यूज़ करती हूँ, मैं रिवाइंड वाला यूज़ करती हूँ, रिवाइंड टू मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो रिवाइंड वाले पे मैंने क्लिक कर लिया। अब हम इसे क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे। मैंने देखो इसे जो ऐसे दिल बना हुआ है ना उस पर मैंने क्लिक करके रखा है, तो वो मेरे फेवरेट्स में चला गया है, बार बार मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो आप भी ऐसे क्लिक करके रख सकते हो, वो आपके फेवरेट वाले पार्ट में आ जाएगा, ऐसी चीज़ें आपको बार बार ढूंढनी नहीं पड़ेगी। सो मैंने क्या किया, मैं म्यूज़िक में गई, म्यूज़िक में जाने के बाद मैंने इफ़ेक्ट्स पे गई, इफ़ेक्ट्स पे जाने के बाद मैं कैमरा वाले ऑप्शन पे गई, और वहाँ पे एकदम नीचे आने के बाद ये रिवाइंड वाला ऑप्शन है। अब मैं इसे क्या करूँगी, यूज़ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब देखो वो आ गया, अब हमारा शुरुआत वाला पार्ट तैयार है, मैं आपको प्ले करके दिखाती हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने रोक दिया, जैसे ही म्यूज़िक ख़त्म हुआ, मेरा काम ख़त्म हुआ, मैंने वहीं पे तुरंत रोक दिया। अगर आप तुरंत नहीं रोक पाए तो फिर से वर्टिकल लाइन शुरुआत में करो, फिर से प्ले करो, फिर से वहाँ पे रोको।
अब रोकने के बाद मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे फिर से एक म्यूज़िक मैं लगाती हूँ। वो म्यूज़िक कौन सा होता है, फिर से हम म्यूज़िक पे जाएंगे। म्यूज़िक पे जाने के बाद हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं। सो इस बार आपको क्या करना है, इस बार थोड़ा सा और नीचे आएंगे, कैमरे के बजाय हम लोग क्लिक करेंगे सोशल पे, ऐट द रेट करके आपको दिख रहा है ना, इस वाले पे आपको जाना है, थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो सोशल वाले पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे देखो कई सारा ऑप्शन है, क्लिक, क्लिक टू, क्लिक थ्री, तो मैं क्लिक टू पे जाती हूँ। ऐसे टिक से आवाज़ होती है, मतलब जो माउस क्लिक की होती है ना वही आवाज़ होती है। तो मैंने देखो इसे भी लाइक करके रखा है, ऐसे दिल बना के रखा है, इससे क्या होगा मेरे फेवरेट्स में चला जाएगा, मैं बता रही हूँ कैसे। फिर हम इसे यूज़ कर लेंगे। ठीक है, एक बार मैं फेवरेट्स वाला पार्ट आपको बता देती हूँ, यहीं से फिर हम बाहर आएंगे। हालांकि इतने पे आपका काम हो गया, लेकिन फेवरेट्स में जाने से क्या फ़ायदा है मैं आपको बताती हूँ। देखो म्यूज़िक वाले पार्ट पे हम गए, तो यहाँ पे देखो अब इफ़ेक्ट्स में ढूंढने के बजाय यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है ना, तो ढूंढना डिफिकल्ट है, भूल सकते हो, मैं भी भूल जाती हूँ। तो इससे अच्छा मैं फेवरेट में करके रखी हूँ। ये देखो यहाँ पे फेवरेट लिखा हुआ है, फेवरेट पे क्लिक करोगे तो मेरे फेवरेट म्यूज़िक यहाँ पे है जो मैं बार बार यूज़ करती हूँ, जैसे रिवाइंड, क्लिक टू, ये दोनों मैंने आपको बता दिया। बाकी सारे म्यूज़िक भी ऐसे हैं जो हम लोग बार बार यूज़ करते हैं, तो इनमें से अभी ये दोनों मैंने आपको बताए, नीचे से जो दो आपको दिख रहे हैं वो मैंने अभी अभी आपको बता दिया इसका यूज़, बाकी का यूज़ भी मैं आपको बताऊँगी। बाहर आ जाते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ तक हम थे, तो यहाँ तक हमारा काम हो गया, एक बार प्ले करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो म्यूज़िक टिक से हो रहा है ना, टिक सा क्लिक हो रहा है, वहाँ पे हमें क्या करना है, वीडियो को थोड़ा सा ऐसे डिम करना है। मैं डिम करके ऐसे जगाती हूँ वीडियो को, मैं पूरा आपको वैसा बता रही हूँ जैसे मैं एडिट करती हूँ। ठीक है, आपको सेम टू सेम वैसा ही मिलेगा। सो वर्टिकल लाइन को वो टिक होने के शुरुआत में मैंने ला दिया। अब टिक करके यहाँ से बाहर आ जाएंगे, वापस से हम इफ़ेक्ट्स में जाएंगे। इफ़ेक्ट्स में जाने के बाद देखो नॉइज़ वाला हमारा थोड़ा बढ़ा हुआ है इस वर्टिकल लाइन से, तो हम क्या करेंगे, नॉइज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो छोटा सा एरो इसको पकड़ के थोड़ा सा इधर खींचेंगे, थोड़ा सा हमने इधर खींच लिया ताकि वो वर्टिकल लाइन के बराबर आ जाए। अब यहाँ पे वर्टिकल लाइन को हम हिलाएंगे नहीं, जब भी काम कर रहे हैं वर्टिकल लाइन को जल्दी हिलाएंगे नहीं, जहाँ पे काम करना है वहीं पे रोके रहेंगे। अब यहाँ से हम फिर से इफ़ेक्ट पे जाएंगे। इफ़ेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे देखो बेसिक, ग्लिच, वाइब्रेट, शेक, फेड है, तो हम फेड वाले ऑप्शन पे इस बार जाएंगे। फेड वाले ऑप्शन पे ब्लैक है, ब्लैक आपको दिख रहा है ये वाला, मैं एरो से सब कुछ दिखा रही हूँ। ब्लैक वाले ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, और ब्लैक वाले ऑप्शन पे जाने के बाद जो ये वाला है बगल वाला, मैं आपको एरो से दिखा रही हूँ, इस पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको खींच के थोड़ा सा छोटा कर देंगे। ये जो किनारे छोटे छोटे एरो है ना, उसको पकड़ के इधर उधर करोगे तो छोटा बड़ा होता रहता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। अब हम लोग प्ले करके देखते हैं, अब हमारा इतना पार्ट तो तैयार है, देखो जरा। हेलो एवरीवन वेलकम टू देखो यहाँ तक टिक तक हमारा तैयार है। अब जहाँ से मैं हेलो एवरीवन वेलकम टू स्पार्कअप क्लासेस बोल रही हूँ, वहाँ पे मैं लिखती हूँ किनारे किनारे, तो वो लिखना मैं आपको सिखा रही हूँ। देखो हेलो एवरीवन मैं बोलती हूँ वेलकम टू स्पार्कअप क्लासेस, तो जहाँ मैं स्पार्कअप बोलने वाली हूँ तो स्पा पे मैं रोक दूंगी। स्पा जहाँ बोल रही हूँ मैं तुरंत वहाँ पे रोक दिया, मैंने तुरंत रोक दिया और वर्टिकल लाइन वहीं रोकी रहेगी। अब यहाँ से मैं लिखूंगी स्पार्कअप क्लासेस। ठीक है, तो टिक करके बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद मैं जाऊँगी टेक्स्ट पे, ऊपर छोटा सा ऑप्शन दिख रहा है ना टेक्स्ट, उस पर मैं क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद फिर से टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर मैं क्लिक करूँगी। देखो टी प्लस दिख रहा है ग्रीन कलर से, उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मैं लिखूँगी यहाँ पे स्पार्कअप, स्पार्कअप। ठीक है, अब कहोगे मैम ये कलर कैसे आ रहा है हमारे में तो नहीं आता, ये बैकग्राउंड कैसे आ रहा है हमारे में तो नहीं आता, तो इसमें सबका ऑप्शन है, धीरे धीरे हम सीखेंगे। ठीक है, धीरे धीरे मैं आपको कल के वीडियो में जब एडिटिंग सिखाऊंगी तो और सिखाऊंगी, अभी फिलहाल बेसिक्स आप सीख रहे हो। सो स्पार्कअप मैंने लिख दिया। ठीक है, स्पार्कअप लिखने के बाद यहाँ पे देखो एनिमेशन वाला पार्ट है, जो ऐसे टिक टिक होता है ना ऊपर नीचे, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ये वाला ऑप्शन, इस पर आपको जाना है। जाने के बाद यहाँ से ऐसे मैं क्या करती हूँ, स्पार्कअप क्लासेस जब हम लिखते हैं तो इधर से स्पार्कअप आता है, इधर से क्लासेस आती है। ठीक है, सो स्पार्कअप क्लासेस, और नीचे से क्या आता है, नीचे से हमारा लोगो आता है। सो ये तीनों हम लाते हैं, कैसे लाते हैं, देखो स्पार्कअप के लिए हमने ये वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं, ये वाला इधर से आने वाला। ठीक है, तो स्पार्कअप मैंने इधर से आने वाला चूज़ कर लिया। क्लियर, अच्छा अब मैं टिक करके बाहर आ जाती हूँ। अब इसी चीज़ को हम कॉपी करेंगे क्योंकि इसी जगह पर हमें दूसरा चाहिए, धीरे धीरे आप सीख जाओगे, आप चिंता मत करो। सो इसी जगह पे हमें दूसरा चाहिए, तो हम थोड़ा सा बगल में आ जाते हैं और इसी को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके स्पार्कअप फिर से आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्लासेस, क्लासेस, लेकिन इस बार हमें क्या करना है, क्लासेस को इधर से नहीं लाना, क्लासेस को इधर से लाना है। तो यहाँ पे हम फिर से इस पे जाएंगे और इस बार बगल वाले एरो पे क्लिक करेंगे। ठीक है,
अब क्या करूंगी, अब क्योंकि एक के ऊपर एक है, वो देख सकते हो दोनों एक के ऊपर एक है, तो मैं क्लासेस को खींच के बगल में लाती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने ला दिया, बात समझ में आ रही है? तो अब हम फिर से प्ले करते हैं, तो देखो स्पार्क अप क्लासेस लेकिन यहाँ पे मैं म्यूजिक लगाती हूँ। स्पार्क अप क्लासेस जब आता है ना, तो वहाँ पे मैं म्यूजिक लगाती हूँ। तो मैं यहाँ पे शुरुआत में रोक करके हम लोग म्यूजिक लगा देते हैं। म्यूजिक में मैं फिर से गई, फिर से म्यूजिक प्लस में गई, और फेवरेट में मैंने क्योंकि करके रखा है तो मैं फेवरेट में गई, और जस्ट अ मिनट, इफेक्ट्स में जा करके आपको फेवरेट में जाना है। फिर क्लिक टू, क्लिक टू जो है मैंने उस पर क्लिक कर दिया। स्पार्क अप क्लासेस आ गया। फिर इसके बाद बोलूंगी दिस इज सुमन यादव, सुमन पे हम रोक देंगे, और जैसे ही सुमन पे आएगा तो इस बार हम टेक्स्ट को एडिट करेंगे। देखो ऐसे था, फिर हम गए टेक्स्ट पे, टेक्स्ट वाले पे, तो ऐसे दिखने लगा क्योंकि हमने स्पार्क अप क्लासेस लिखा हुआ है। अब जो हमारी वर्टिकल लाइन है वहीं पे रोक के हम स्प्लिट करेंगे, जैसे क्लासेस को छू करके किनारे किनारे उसके बॉक्स बन गया, छू करके तुरंत हम स्प्लिट करेंगे। जैसे हम वीडियो को स्प्लिट कर रहे थे वैसे ही टेक्स्ट को स्प्लिट कर रहे हैं। फिर नीचे स्पार्क अप है, स्पार्क अप को छूओगे फिर यहाँ पे स्प्लिट कर दोगे, ठीक है? अब स्पार्क अप की जगह मुझे लिखना है सुमन, SUMAN, ओके सुमन, ठीक है? अपना ही नाम नहीं लिख पा रही हूँ, हाँ सुमन, ठीक है? और क्लासेस की जगह हमें क्या लिखना है, यादव लिखना है, YADAV, ठीक है? अब क्या होगा, वापस से वो लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, इधर से आना इधर से आना, एक बार लगा हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली आगे वाले पार्ट में भी लग जाएगा। अब यहाँ पे फिर से हम म्यूज़िक लगा लेते हैं, टिक करके बाहर आ जाएंगे और फिर से म्यूज़िक लगा लेंगे। वर्टिकल लाइन को हम हिलाएंगे नहीं, हिलाने से क्या होगा, फिर से हमारा जो चीज़ें हैं ना वो इधर उधर हो जाएगी, उस जगह पे लाना एग्जैक्टली टफ हो जाता है। सो म्यूज़िक पे जाएंगे, म्यूज़िक पे जाने के बाद फिर से हम वो टिक वाला साउंड ही लगा देते हैं, सुमन यादव, देखो सुमन यादव, बात समझ में आ रही है? फिर से प्ले करते हैं, देखो शुरू से, अब देखो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार्ट ऑफ क्लासेस, दिस इज सुमन यादव, दिस इज सुमन यादव, ठीक है? एग्जैक्टली बैठ गया। लेकिन हम स्पार्क अप क्लासेस के टाइम नीचे से लोगो भी लाते हैं, तो वो भी मैं आपको लाके दिखा देती हूँ। हालांकि आपने अभी लोगो नहीं बनाया, जब मैं सिखाऊंगी तो आप यहाँ पे ऐड कर लेना। सो जहाँ पे स्पार्क अप, देखो मैं टेक्स्ट में जा रही हूँ, टेक्स्ट में जहाँ से मैंने स्पार्क अप क्लासेस लिखना शुरू किया है, तो वहाँ की शुरुआत में मैं आ जाती हूँ। वर्टिकल लाइन को वहाँ की शुरुआत में ला रही हूँ, देखो ला दिया मैंने वर्टिकल लाइन को शुरुआत में ला दिया। शुरुआत में लाने के बाद यहीं से मैं स्पार्क अप क्लासेस का लोगो भी ले आऊँगी, तो मैं यहाँ से टिक करके बाहर आ जाती हूँ। लोगो लाने के लिए आपको PIP में जाना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे कई सारे ऑप्शन हैं, कैनवस, ऑडियो, स्टिकर, टेक्स्ट, इफेक्ट, फिल्टर, PIP, ठीक है? PIP में आपको जाना है। PIP में जाने के बाद आपको फ़ोटो पे क्लिक करना है। ऊपर देखो वीडियो, फ़ोटो, कई सारा चीज़ लिखा हुआ है, तो हम फ़ोटो पे क्लिक करेंगे। फ़ोटो में जाने के बाद, क्योंकि मेरा वो फ़ोटो इनशॉट में है, तो मैं यहाँ से ढूंढ लेती हूँ। आप अपने गैलरी में अपने तरह से ढूंढ सकते हो, मेरा बहुत नीचे है तो मैं उस अनुसार ढूंढ रही हूँ, ठीक है? मैंने यहाँ पे कर लिया। अब इसे मैं छोटा बड़ा यहाँ से आप कर सकते हो। ये सब चीज़ मैं डिटेल में सिखाऊंगी, अभी फ़िलहाल थोड़ा शॉर्टकट में बता रही हूँ। कल के वीडियो में वीडियो एडिटिंग ही स्पेशली हम सीखेंगे, तो अगर आपको कुछ नहीं भी समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखो, इसमें से कुछ सीख लो ताकि कल का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है? कल हम वीडियो एडिटिंग पे ही पूरा फोकस करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं ये प्रोसेस बता रही हूँ, हो सकता है अभी आपको डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो नॉलेज हो गया होगा कि स्प्लिट क्या है, डिलीट क्या है, म्यूज़िक क्या है, ये हल्का फुल्का तो आइडिया हो गया। अब आपको कल का वीडियो बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है? इस वीडियो को एक बार मेमोरी में जाने दो अपने, भले ना याद हो, भले ना प्रोसेस तैयार हो, लेकिन एक बार अपने मेमोरी में जाने दो और एक बार प्रैक्टिस करके देखो। फिर कल का वीडियो जो मैं बनाऊंगी आपके लिए वीडियो एडिटिंग का स्पेशली, वो आपकी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? सो देखो यहाँ पर हमने कर दिया नीचे की तरफ। अब इसमें हम एनिमेशन लगाएंगे, देखो ऊपर की तरफ एनिमेशन का ऑप्शन है, ठीक है? एनिमेशन पर हम जाएंगे और नीचे से ऊपर आता है वो, तो नीचे से ऊपर वाला ऑप्शन हम ढूंढ लेते हैं। देखो यहाँ पे है, जस्ट अ मिनट, या यहाँ पे है स्लाइड अप, ये वाला, ठीक है? स्लाइड अप लिखा हुआ है, स्लाइड और यू लिखा हुआ है, छोटा छोटा, बहुत छोटा लिखा हुआ है, आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा। इस पर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है? अच्छा, इसका थोड़ा सा स्पीड हमें कम करना था। अगेन हम एनिमेशन पे जाते हैं, यहाँ पे देखो ये जो स्पीड है ना, इसको थोड़ा सा हम कम कर देंगे। कम करने के बाद इसको भी थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे। अब देखो, हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार्ट ऑफ क्लासेस, दिस इज सुमन यादव, दिस इज सुमन यादव। अब जहाँ सुमन यादव ख़त्म हो रही है ना, टेक्स्ट पे जाते हैं, जहाँ सुमन यादव बोलना मैंने ख़त्म किया, वहाँ पे फिर से इसको छूँगी, स्प्लिट करके इधर वाला पार्ट डिलीट कर दूँगी, फिर से सुमन वाले को
स्प्लिट करके इधर वाला पार्ट डिलीट कर दूंगी, वर्टिकल लाइन में हिलाऊंगी नहीं और वहां से टिक करके बाहर आ जाऊंगी। बाहर आने के बाद पीआईपी में जाऊंगी, पीआईपी में जाने के बाद फिर से ये जो पीआईपी है, जो अनूप सर का लोगो है, उस पर मैं क्लिक करूंगी, स्प्लिट करके ये भी डिलीट कर दूंगी। फिर मेरा काम हो गया। इतने में मेरा इंट्रो तैयार है, एक बार फिर से देखते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार का क्लासेस, दिस इज सुमन यादव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार का क्लासेस, दिस इज सुमन यादव। देखो मैंने आपको बना के सिखा दिया। अब लास्ट में एक और थोड़ा सा हम फेड करेंगे। यहाँ पे देखो इफेक्ट्स में जाएंगे, इफेक्ट्स में जाने के बाद फिर हम जाएंगे जैसे ग्लिच, वाइब्रेट, शेक, फेड है तो फेड पे हम जाएंगे। फेड पे जाने के बाद यहाँ पे ब्लैक वाले पे टिक करेंगे और ये वाले पे टिक करेंगे। जैसा हमने सेम प्रोसेस पहले किया था वही किया है मैंने। फिर यहाँ पे आके ये ब्लैक वाले को थोड़ा सा यहाँ तक कम कर देंगे। अब क्या होगा, इससे ये डिम हो जाएगा यहाँ पे। जस्ट अ मिनट, यहाँ तक आपको करना है। देखो जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा इसको खींच के ना थोड़ा सा लंबा ही रखना, बहुत लंबा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं। मैं एडजस्ट कर देती हूँ। थोड़ा सा ऐसे डिम हो गया, दिख रहा है थोड़ा सा डिम हुआ। देखना इसे डिम होने के बाद जब मैं वीडियो प्ले करूँगी ना तो वो अलग से इफेक्ट देता है। हालांकि बहुत ज़रूरी नहीं है, पर जो जो मैं करती थी मैंने ए टू जेड सब कुछ बता दिया। अब टिक करके बाहर आ जाना है। बाहर आ जाने के बाद एक्सपोर्ट करना है। देखो ऊपर एक्सपोर्ट है ना। हाँ, यहाँ पे आपके किनारे पे इन शॉर्ट लिखा आएगा, क्योंकि मेरा सब्सक्रिप्शन वाला है इसलिए इन शॉर्ट लिखा नहीं आ रहा है। अनूप सर का अगर मोबाइल मेरे पास होता तो मैं उससे सिखा देती। यहाँ पे बस आपको इन शॉर्ट लिख के आएगा, उस पर आप छूओगे, छूने के बाद एक छोटा सा क्रॉस का ऑप्शन आएगा, उस पर टिक कर देना। फिर आएगा कि ऐड देखो, फ्री में पाना है तो ऐड देखो, तो फ्री रिमूव पे आप क्लिक करना, थोड़ा सा ऐड आएगा। ऐड आने के बाद वापस से ये पेज आपका आ जाएगा। उसके बाद आपको एक्सपोर्ट कर लेना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है, वो डायरेक्टली सेव होने लगेगा ऐसे। ठीक है, 100% जब हो जाएगा तो आपके गैलरी में चला आएगा वो। ये सिंपल सी प्रोसेस होती है। मैं जानती हूँ सिंपल नहीं, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जब आपके हैबिट में आ जाएगी तो ये सिंपल लगेगा। तो इतना सा था, काफ़ी टाइम लगा मुझे ये चीज़ सिखाने में। लेकिन अब इससे क्या होगा ना, जो आपका कल का वीडियो है, जो हम लोग कल सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, इससे आपका वीडियो एडिटिंग का पार्ट आपने सीख लिया काफ़ी कुछ। इंट्रो बनाते बनाते, आउट्रो बनाते बनाते मैंने थोड़ा चालाकी से आपको कुछ चीज़ें सिखा दी वीडियो एडिटिंग की, ताकि जब मैं वीडियो एडिटिंग वाली वीडियो बनाऊँ तो आपको समझ में आए। आज आपको अगर इतना भी समझ में आ गया है कि स्प्लिट क्या है और डिलीट करना क्या है, म्यूज़िक लगाना क्या है, इतना भी आपको समझ में आ गया तो भी एनफ है। ठीक है, इतना समझ लेने से ना कल की वीडियो हमारी आसान हो जाएगी, जब हम वीडियो एडिटिंग सीखेंगे। वीडियो एडिटिंग हम 3-4 पार्ट्स में सीखेंगे, जैसे कि टेक्स्ट कैसे डिज़ाइन से लगाते हैं, अलग अलग डिज़ाइन से टेक्स्ट कैसे लिखते हैं। ठीक है, पीआईपी अलग अलग तरह से कैसे लगाते हैं, वीडियो के ऊपर वीडियो कैसे लगाते हैं, वीडियो के ऊपर ऑडियो कैसे लगाते हैं, म्यूज़िक डाउनलोड करके कैसे लगाते हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा मैंने आपको सिखा दिया है, हल्का हल्का टच मैंने आपको दे दिया, ताकि आपके दिमाग में हल्की हल्की चीज़ें रहे। लेकिन कल के वीडियो में हम डिटेल से सीखना शुरू करूँगी। इधर हमारा कुछ दिन तक वीडियो एडिटिंग का पार्ट ही चलेगा, और वीडियो एडिटिंग का एक्सपर्ट मैं आपको बना दूंगी। कुछ आपको अनूप सर सिखाएंगे, कुछ मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, क्योंकि अनूप सर बहुत अच्छा एडिटिंग करते हैं। अनूप सर का जो सेंस है ना एडिटिंग करने का, वो बहुत अच्छा है। आप एक बार अनूप सर की वीडियोज़ देखना और मेरी वीडियोज़ देखना, तो आपको पता चलेगा अनूप सर की एडिटिंग कितनी अच्छी है। ठीक है, हालांकि कुछ वीडियोज़ में हमें जब जल्दी होता है तो हम लोग नहीं एडिट कर पाते हैं, लेकिन ज़्यादातर अनूप सर की जो वीडियोज़ है ना उसमें एडिटिंग बहुत शानदार लेवल की है। आप चाहे तो देखना, ऐसा लगता है कि जैसे वो डिजिटल बोर्ड पे सारी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं। तो धीरे धीरे हम आने वाली वीडियोस में अब वीडियो एडिटिंग सीखेंगे। अब आपको वीडियो एडिटिंग का मैं प्रोफेशनल बनाने वाली हूँ। तो एक काम करना, आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि आप इंट्रो बनाने की कोशिश करना। मैं नहीं कहती आप परफेक्ट हो जाओगे इसमें, लेकिन बार बार इस वीडियो को चला चला के कोशिश करना वीडियो इंट्रो बनाने की। और आउट्रो, आउट्रो में मान के चलती हूँ आपने बना लिया है, बना लिया या नहीं बनाया आप एक बार कॉमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, और इंट्रो बनाने के बाद भी बताना कि आपने इंट्रो बना लिया। ठीक, इसके बाद हम जब वीडियो एडिटिंग सीखेंगे उसके लिए एक वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप कोई भी छोटा सा वीडियो 2-3 मिनट का बना के रखना, ताकि मैं सारी चीज़ें सिखाऊं और आप उस वीडियो पे प्रैक्टिस कर सको। आज का होमवर्क आपका यही रहेगा कि एक नॉर्मल सी वीडियो बना के रखना है जिसपे आप थोड़ा सा एडिटिंग करो, और दूसरा होमवर्क ये है कि आपको इंट्रो बना करके रखना है। इधर कुछ दिन छुट्टी मारी है हमने, तो काम हम ज़्यादा करेंगे। ठीक है, सो दो होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ, ये दो होमवर्क आपको करके आने हैं, फिर कल की वीडियो से हम वीडियो एडिटिंग सीखेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आप ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी, और इंट्रो बनाना आप सीख पाए या नहीं सीख पाए, थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ कि नहीं हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।